अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष में देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? ए शहीद दिवस, बी जोशीला दिवस, सी शौर्य दिवस या डी पराक्रम दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक करने को लेकर निकाली गई बाइक रैली। भागलपुर के सेंटिस कंपाउंड मैदान से सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को जागरूक करने को लेकर बाइक रैली निकाली गई। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर निकाले गए बाइक रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवेश अख्तर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 18 जनवरी से ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान हम लोगों के बीच विभिन्न माध्यमों से, रैली के माध्यम से, अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के जो भी नियम हैं, जितने भी नियम हैं, सारे नियमों का पालन करें। और नारा है हम लोगों का सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन का रक्षा होगा। इसके लिए हम लोग तरह तरह का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। अभी अभी आप देखे होंगे मोटरसाइकिल रैली निकाला गया। मोटरसाइकिल रैली में मोटरसाइकिल पर जो बैठे हुए हैं, जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर के पीछे जो बैठे हुए हैं, वो भी हेलमेट लगा के चलें। अभी का रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल ड्राइवर ही नहीं, केवल चालक ही नहीं, उसके पीछे जो बैठे हुए सवारी हैं वो भी बिना हेलमेट का ना चले। हम लोगों का ये ड्राइव भी चल रहा है, मोटरसाइकिल रैली निकाला गया है, हम लोगों का नुक्कड़ नाटक आगे होने वाला है। और हम लोग 25 तारीख को रखे हुए हैं सभी चालकों के लिए स्वास्थ्य जांच और नेत्र जांच शिविर। ये हम लोगों का GSRTC के मैदान में है। तो जितने भी कमर्शियल ड्राइवर हैं, कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हैं, सभी चालकों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य जांच और नेत्र जांच होगा। और हम लोग मुफ्त में चश्मा भी वितरण करेंगे, साथ ही हम लोग प्रशिक्षण भी देंगे। अगस्त्या का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। गोपालपुर विधायक से खतरा कहकर बिहपुर विधायक द्वारा पुलिस पदाधिकारी और मुख्यमंत्री को आवेदन दिए जाने पर गोपाल मंडल गरम भी और नरम भी। गोपालपुर विधायक द्वारा जान को खतरा बताते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारी को बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेन द्वारा आवेदन दिए जाने के मामले पर गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने कहा कि 1/4 और 1/6 का सिक्योरिटी गार्ड लेने के लिए इंजीनियर शैलेन ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको तो एक भी गार्ड नहीं रखना चाहिए, उनको कौन मारेगा। उन्होंने इंजीनियर शैलेन की तुलना बैल से करते हुए कहा कि जिसमें कोई गुण नहीं है उसको लोग क्यों मारेगा। खतरा मुझे है क्योंकि मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। गोपाल मंडल ने कहा कि जब कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी हो या परेशान करेगा तो वे लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोतवाली थाने में के पास उन्होंने फायरिंग कर बदमाशों को भगाया था। जब जनता और उसके कार्यकर्ता की होगी तब वे पद की चिंता नहीं करेंगे। श्री मंडल ने कहा कि वे रंगदार और अपराधियों का हमेशा विरोध करते रहे हैं, वह क्यों किसी को क्षति पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन के क्रम में अजीत सरकार हत्याकांड का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि हमको बदनाम करने के चक्कर में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, लेकिन वह 4 बार विधायक रहे हैं और सबों का आशीर्वाद रहा तो वह आगे भी और भी आगे जाएंगे। उनको तो मैंने चुनाव जिताया,
अपने ममेरे भाई को हरा के, पूलो मंडल ममेरा भाई है, उनको हरा के मेहनत करके अपना खर्च करके, वो तो एक गाड़ी से चलता था, हमारा तो 50-50 गाड़ी चलती थी, उनको मैंने चुनाव जिताया है। और यह कह के जिताए थे, आप भूमिहारी बात नहीं कीजिएगा, अपने को सुधर मानिए, बैकवर्ड मानिए, तब नेता बनिएगा, नहीं तो इसी तरह हारिएगा जीतिएगा। और वो बूलो मंडल अगर हम नहीं चाहते तो 10,000 से चुनाव जीतता, लेकिन त्याग दिखा दिए, इसलिए गठबंधन के तो उनको जिताना था और सरकार बनानी थी ना, इसलिए मैंने बूलो मंडल को चुनाव जिता दिया, उनको सलंदर तो जीता दिए, इसलिए गाली गलौज करने के लिए, कुछ से कुछ बोलने के लिए, हम कहीं कुछ नहीं किए, मित्रवत उनको हमारा नागरिक अभिनंदन हुआ, शैलेंद्र जी को बुलाए, उनको करना चाहिए नागरिक अभिनंदन अपने क्षेत्र में विधानसभा में, हमको बुलाते हैं एक बात बंद, लेकिन उन्होंने हमारे विधानसभा में आके नागरिक अभिनंदन, वो उनकी के साथ जो जो लोजपा का प्रचार किए थे, जो हमको वोट नहीं दिए, झबरा जिन्होंने भूमिहार वोट को 4,500 कुछ वोट काट लिया, वो आदमी सब भाजपा प्रखंड थे, वो लोग नागरिक अभिनंदन कर रहे थे, इसी आवेश में हम बोले कि सुरेंद्र भाई सब की करे छो, करना छो थोड़ा भूमिहार बात, तो अपना इलाका में करो, हिन्नत छोड़ी दो, हम रोंच के हो, हमें जन व्यक्तित्व मिठो काहे करते, अगर करते हैं तो हमको क्यों नहीं बुलाए, मित्रवत उनको बोले, कुछ भी लैंग्वेज हम जो बोले वो भूल चुके हमसे हुई, चूँकि हम तेवर दिमागी विधायक हैं, चढ़ जाता है तो चढ़ाता है, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, ये कहने का मतलब, तो उन्होंने वायरल कर दिया, मैं इतना त्याग दिखा के घर परिवार को छोड़ के, सब मंडलों ने अभी दूसरा है, उनको जिता दिया, उनका क्या धर्म बनता है, थी रिकॉर्डिंग करके वायरल कर देना, रिकॉर्डिंग करके राजीव बाबू उनको चाहिए था, हमको दिखा था, हो भैया चुनाव जीते हुए कर लो, लेकिन है तो गाली गलौज कथिल कर लो, मानते माफ़ी मांग लेते समझे ना, लेकिन उन्होंने अन्याय किया, पूरे हिंदुस्तान में हमको नचा दिया, पूरे बिहार को क्या से क्या करवा दिया, अभी भी भाई उनको क्यों मारेंगे, हमने जानते हैं अजीत सरकार को मार के पप्पू यादव का कुल खानदान बर्बाद हो गया, हम विधायक को मरवाएंगे, सीबीआई मिल बैठ के उनका नागरिक अभिनंदन मंडल बेल्ट में करवाएंगे और उनको आगे लाएंगे, अभी कौन है, उनको जूता जिता दी, उनसे काम लेना है ना, तो काम लेना है भाई, मारने का तो कहीं बात नहीं है, जो भी आईजी को उन्होंने दिया है, कुछ भी दिया है, हम कोई गलती नहीं करते, हम मर्डर तर्डर करते हैं, हम क्रिमिनल विरोधी हैं, क्रिमिनल से मतलब नहीं रखते, रंगदार विरोधी हैं, ऐसे 4 बार एमएलए नहीं बने, आने वाले भविष्य में और ऊंचाई तक हम जाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, पब्लिक हमको चाह रही है, इसमें कोई गुनाह भाग नहीं है, उन्होंने गलती किया, अगर हमसे कुछ भूल हुआ है, सिलेंडर इंजन को स्थिर हो जाना चाहिए, मेरे सामने मावे मैं माफ़ी मांगना, आईजी को दिया, आईजी साहब नोटिस ले लिए, अरे हमसे पत्रकार हिंदुस्तान जो निकाला, हमसे पूछना चाहिए ना, गोपाल मंडल जी आपके खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिया सुरेंद्र ने, आईजी को क्या था, हमको पूछना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान वाले को भी कुछ कहें, लेकिन कहने में असमर्थ, हमको बदनाम करने के चक्कर में बड़े बड़े लोग लगे, लेकिन इतना ना ब्रेन हमारा टैलेंट है ना, है मुख्यमंत्री का माथे पर आशीर्वाद, कोई गलत बोली नहीं, कोई मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन किए हैं वो, हाँ करे वो, सुनिए आप सुन लीजिए आधा ज्ञान, वो सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए ऐसा किया, हवा बनाने के लिए सिक्योरिटी लाइक, अरे भाई चुनाव में गार्डों ने लेके चलता था, एक गाड़ी से चलता था, उसको वो बैल को मार के कौन क्या करेगा, वो उसमें क्या गुणवत्ता है, कुछ नहीं, उसको क्यों मारेगा भाई, कहीं कोई नहीं मारने वाला उसको, झूठ, मैं तो आईजी साहब डीआईजी साहब से कहना चाहता हूँ, बोले 19 महकमे को बीजेपी साहब मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, भाई इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने के लिए ऐसा किया है कि हमको 1-4 का गार्ड मिल जाए, नया नया 1-6 का गार्ड मिल जाए, ये तो एक गार्ड देने लायक नहीं है, इसको कोई मारवा नहीं करेगा, क्यों मारेगा इसको भाई, हाँ हम पर खतरा है, इसलिए मैं फाइटर एमएलए हूँ, मैं जवाब देता हूँ, चाहे रस रहे कि जाए, इसमें दो मत नहीं, कितना क्या पूछते रहिएगा, मैं बर्बाद होने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी एक भी बाल बच्चे का मैं शादी नहीं किया हूँ, भागलपुर में रहते हुए
जिस घर में रह रहे हैं वह घर कैंसिलिंग में चला गया, अपना घर नहीं बना सके। तीन बार एमएलए बनने के बाद न वो जो प्रवक्ता में घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। हम ईमानदार एमएलए हैं, झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री के सामने बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अलंद पन बतियाता ना, जो बोलता हूँ सत्य, जो बोलता हूँ वही करता हूँ। क्या मुख्यमंत्री का फोन उन आया आपको इस विषय में? क्यों आएगा भाई, जानता है हमारा विधायक गलत नहीं है, हम विवाद में पड़ते ही नहीं है, ना मुख्यमंत्री मरते हैं, उन्हें उसी स्टाइल में हम चलते हैं। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है आपका केस का कि आपके पुलिस महकमे का कोई लोग है क्या? कहाँ का नत्थी में लगा हुआ है? अरे अपराध किससे नहीं, तब मुकदमा किसके ऊपर नहीं होता है? अभी आप लोग आए हुए हैं, आपके ऊपर कोई वार करेगा तो पहला राइफल बंदूक लेकर हम दौड़ जाएंगे। समाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जनता के लिए। आपको पता नहीं कोतवाली के बगल में मैंने कितना फायरिंग किए थे, कितने लोग को भगाए थे? तो कार्यकर्ता पर आफत आएगा तो उस टाइम में हमारी सदस्यता जाए कि रहे, मंत्री बने कि नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक है तब हम हैं, कार्यकर्ता है तब हम हैं, हमको नहीं क्या चाहिए कोई पोस्ट, लेकिन जनता जनार्दन बने बना रहना चाहिए। ठीक। भागलपुर डीआईजी ने बात थाना का किया निरीक्षण। सुल्तानगंज के बात थाने का निरीक्षण करने डीआईजी सुजीत कुमार दलबल के साथ पहुंचे, अपराधियों पर दबिश बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। भागलपुर बात थाने का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि थाना का निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष मनीष कुमार को थाना परिसर को साफ सफाई एवं सौंदर्यकरण रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मौके पर भागलपुर एसएसपी नताशा गुड़िया, डीएसपी निसार अहमद सहित कई अन्य उपस्थित थे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान मैंने थाना के सभी अभिलेख जो है उनका निरीक्षण किया और साथ ही साथ कुछ कांड जो लंबित हैं उन कांडों की समीक्षा भी की, और जो भी संपत्ति मूलक कांडों के अपराधकर्मी हैं उनके ऊपर क्या निगरानी की हमारी प्रक्रिया है उसको ठीक से देखा, और कुछ अपराध नियंत्रण इत्यादि को लेकर निर्देश। सर लगातार रोड क्राइम हो रहा है सर, उस पर से लगातार रोड क्राइम तो नहीं हो रहा है, बात कुछ नए मामले सर चेक किया अभी एक नया मामला हुआ, उसको बहुत जल्द यहाँ की पुलिस जो है तो उद्भेदन भी हो गया सर, उसको बहुत जल्द आप लोगों के सामने उस संबंध में विस्तार से हम लोग बताएंगे। पार्किंग के लिए भी कोई निर्देश दिए सर? पार्किंग में जो देखे सर गंदगी थाना भवन के परिसर का, थाना परिसर में क्योंकि बहुत जमीन है तो इसको और बेहतर तरीके से रखने का निर्देश। सर इंजीनियर सलेल वाला मामले में सर आपको जांच मिलाकर तमिलनाडु नहीं, उसमें सिक्योरिटी थ्रेट को एनालाइज करने के लिए और उसको देखने के लिए एक निर्देश प्राप्त है, उसको हम लोग देख रहे हैं। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने ड्रैगन फ्रूट से कोशी सीमांचल के लोगों सहित किसानों को एक नई सौगात दी है। एक एकड़ में 14 लाख तक की कमाई हो, इस बाबत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक को पिछले कई सालों से अलर्ट किया गया है। खासियत है कि ड्रैगन फ्रूट पोषक तत्व विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन व विटामिन बी से भरपूर होता है। यह हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, मोटापा को नियंत्रण में काम आने वाले ड्रैगन फ्रूट की खुशबू से कोसी और सीमांचल भी अब महक रहा है। नेटिव प्लेस से साउथ और सेंट्रल अमेरिका है, और बहुतायत पैमाने पे अगर इसकी खेती की बात की जाए तो ये वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका, मलेशिया में इसकी काफ़ी जो है इसकी खेती का प्रचलन अभी सामने आया है। और हमारे देश में जैसे हम अभी ठाकुरगंज में हैं, किशनगंज ज़िले में हैं, बिहार में हैं, इसी तरह से जैसे गुजरात में, कुछ झारखंड में दो तीन किसान इसकी खेती की तरफ जो है बढ़ रहे हैं।
गोपालपुर के गंगा घाट मालपुर बड़ी मकनपुर में आगामी मार्च में होने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर भूमि पूजन का आयोजन। गोपालपुर प्रखंड के बड़ी मकनपुर पंचायत अंतर्गत मालपुर के गंगा घाट बांध पर पंडित टोला में आगामी मार्च महीने में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत ग्रामीणों द्वारा भूमि पूजन का कार्य शनिवार को आयोजित किया जाएगा। मौके पर संकल्पित लोगों ने भूमि पूजन का कार्य किया। भूमि पूजन के बाद ग्रामीणों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर आगामी 2 मार्च को 251 कन्या द्वारा सर पर कलश रखकर कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा व संगीत प्रवचन होगा। वहीं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर आसपास के लोग व ग्रामीण काफी उत्सुक दिखे। नाम छोटे लाल पंडित जी, घर मालपुर है। इस जग का मेन सदस्य हम ही हैं, उसका बाद में जो है सब समाज हमारे पीछे हैं। जग बाबा आ रहे हैं, कब से कब तक आयोजन होगा ये हमारा? जो है कि 2 मार्च को कलश यात्रा है, 251 लड़की कलश लेकर करके धरारा जाएंगे, धरारा से आएंगे। उसका बाद जो है कि ये वृंदावन का बाबा हैं जो ये जोगमुनि जी महाराज हमारे पधारेंगे और कथा होंगे, और बहुत सुंदर से हमारा फिर यह 9 मार्च तक कथा चलेगा, 3 मार्च को कथा आरंभ होंगी और उसका बाद में जो है ये। हमारा नाम अवधेश कुमार ठाकुर है। हम इस क्षेत्र के जो है ना पूजा पाठ कराते हैं सब जगह, मालपुर, धरारा, पंचगछिया, और ये मालपुर स्थान में जो है गंगा के किनारे ये भागवत महाकथा का आयोजन हो रहा है और हमको बहुत खुशी है। और इसमें सब लोग जो है मिल करके हम लोग कथा करवाएंगे। ये कथा जो है आगे 2 मार्च को शोभा यात्रा है और 3 तारीख से 9 तारीख तक ये कथा चलेगा। और बताएं आयोजन। हम गोपाल शर्मा, ग्राम मालपुर, भागवत महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। 2/3/2021 से शुरू होगा शोभा यात्रा, उसके बाद 3/3/2021 से भागवत पुराण महायज्ञ का प्रवचन होने जा रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पंडित, मैं गंगे किनारे और मालपुर से बोल रहा हूँ। उसके बाद आज भूमि पूजन हुआ, 2 मार्च शोभा यात्रा कलश यात्रा और 251 कन्या के साथ, और 3 तारीख से भागवत, 9 तारीख तक भागवत का गंगा। पंडित है, हमारा घर पड़ता है मालपुर, मकनपुर पंचायत है, और यहाँ जो है नी भूमि पूजन हुआ आज, और इसमें झंडा फहराया गया और जो है नी। आयोजन कब से कब तक होगा? इसका आयोजन होगा 2 मार्च से। 2 मार्च को शोभा यात्रा बनाया गया है 251 लड़की, और उसके बाद धूमधाम से होगा ढोल बजा के साथ। उसके बाद जो है ना 3 मार्च से भागवत कथा का आरंभ होगा 9 मार्च तक, और यही नाम। सर हम लोग महादेव पंडित, हमें मालपुर मकनपुर वार्ड नंबर 12 से बोली रहा छे। हमारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा छे, जे 2 तारीख के कलश शोभा यात्रा निकलते और 3 तारीख से भागवत कथा का आयोजन होते। आई लिए हमरा सनी गाँववासी के तरफ से छे कि अपना सनी जहाँ तक संभव हुए अभी के परिचर्चा के लाभ लिए। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597।
नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत साहू टोला भवानीपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग टला बड़ा हादसा। रंगरा प्रखंड अंतर्गत साहू टोला भवानीपुर में एक घर में खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गया। वहीं आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति के बीच फायर ब्रिगेडियर को फोन किया गया, जहां फायर फाइटर की टीम पहुंची, लेकिन तब तक आसपास के ग्रामीणों के सूझबूझ से सिलेंडर में लगी आग पर बालू रखकर उसे शांत करा दिया गया था। वहीं मौके पर गृह मालिक दीपक कुमार ने बताया कि आगजनी से उनके घर का काफी सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। बताते चलें कि सिलेंडर में लगी आग के बाद इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि पूरा घर गर्मीला हो गया था व रैक चौकी व अन्य कई सामग्री जलकर राख हो गया था। और बताइए क्या हुआ पूरी घटना। हमारा नाम दीपक कुमार, साहू टोला भवानीपुर प्रखंड रंगरा चौक थाना क्या हुआ यहां? थाना रंगरा चौक है, जिला भागलपुर है। मेरे घर में मैं 5 बजे सिलेंडर लाया था और लगाया और हम काम पे निकल गए। मेरी बीवी लाइट जैसे सिलेंडर ऑन किया, क्या नाम उनका? मेरी बीवी लूसी कुमारी। हाँ हाँ। तो उसने मेरा जैसे सिलेंडर जलाया तो पूरा सिलेंडर में आग पकड़ लिया। रेगुलेटर टोटल मेरा रेक टोटल टूट गया है और मेरा आग मेरा छत जल चुका है। वो छत से ईटा टूट टूट के गिर रहा है। अभी जो है ये जो बगल में रखा हुआ है बालू से ढके हैं सर, सिलेंडर ढका हुआ। ये कितना देर हो गया घटने का? अभी लगभग कम से कम 2 घंटा हो चुका है सर। यानी ये 5 बजे का लगभग? 5 बजे मैं लगा के गया था काम पे। अच्छा, ये कितने बजे? लगभग 6 बजे के लगभग हुई है। 6 बजे मैं दौड़ते हुए आया तो मेरा घर में पूरा आग फैल रखा था। कैसे भी मैं अपने जान जोखिम में डाल करके इसको बंद किया हूँ। लेकिन सिलेंडर के मुँह है बन लिया है लहरी तगड़ी रख लिया है। गैस खत्म हो रहा नवगछिया बाजार में कम्बल और मास्क का वितरण। शनिवार को 37वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा ने भीषण ठंड को देखते हुए स्थानीय अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में जरूरतमंद जैसे जच्चा बच्चा पेशेंट और उसके सहयोगी को एवं नवगछिया स्टेशन परिसर नवगछिया बाजार में घूम घूम कर ठंड से ठिठुरते जरूरतमंद को 100 कंबल प्रदान किया गया, 100 मास्क का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष विकास ईरानी, सचिव चेतन मुनका, कोषाध्यक्ष विक्रम सराफ, उप सचिव राज चौधरी, पारस खेमका, सदस्य दीपक मौंडिया, आदित्य सराफ, कौशिक मामंडिया, रचित गडोरिया, आशीष चौधरी, रोहित चिरानिया एवं केशव शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया जहांगीरपुर बैसी के समीप कोसी में भीषण कटाव निरीक्षण करने पहुंचे रंगरा सीओ। नवगछिया मंडल क्षेत्र के रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोसी तटवर्ती गांव जहांगीरपुर बैसी में विगत 10 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है। इसके फलस्वरूप जहांगीरपुर बैसी साधोपुर नगर एवं जोनिया सहित लगभग आधे दर्जन गाँव के हजारों लोगों के बीच दहशत कायम हो गया है। वहीं दूसरी ओर जनवरी माह में कोसी नदी में हो रहे कटाव को देख स्थानीय ग्रामीणों के अलावा स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी हतप्रभ एवं हैरान हैं। लगातार हो रहे कटाव के मद्देनजर शनिवार दोपहर अंचलाधिकारी रंगरा चौक आशीष कुमार सिंह व ओपी प्रभारी महताब खान कोसी कटाव निरीक्षण के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने भीषण कटाव की स्थिति से अंचलाधिकारी रंगरा को अवगत कराया। कोसी नदी में भीषण कटाव की स्थिति जोनिया से जहांगीरपुर बैसी तक बनी हुई है। यहां प्रतिदिन 3 से 4 फीट तक कटाव तेजी से प्रतिदिन हो रहा है। किसानों की उपजाऊ जमीन तेजी से कोसी के गर्भ में समा रही है। ग्रामीण सह समाज सेवी अवधेश यादव ने निरीक्षण के लिए पहुंचे रंगरा सीओ से अवगत कराते जल्द कटाव निरोधी कार्य करवाने की मांग की है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि करीब 400 परिवार के घर कोसी नदी के मुहाने पर आ गया है। अगर जल्द से जल्द कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया तो पूरा गांव बेघर हो जाएगा।
कांग्रेस के कैंप कार्यालय में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रखर स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती गौशाला रोड नौगछिया स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में भागलपुर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद सिंह निषाद की अध्यक्षता में उत्साह पूर्वक मनाई गयी। मौके पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, राजीव चौधरी, छोटे लाल तत्मा, फूलो सिंह, लड्डू सिंह, अमित सिंह, अशोक कुमार सिंह निसाल वगैरह की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया में फर्जी पुलिस बनकर ट्रक चालकों से वसूली करते युवक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया जीरो माइल एवं तेतरी जीरो माइल के बीच ट्रक चालक से फर्जी पुलिस पदाधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के दौरान पुलिस ने एक फर्जी पुलिस को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी पुलिस खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के ठूठी निवासी रवि राज पिता राम गणेश चौधरी है। नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि NH 31 एवं पुल पहुंच पथ पर ट्रक चालकों से फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली की जा रही है। लगातार इस तरह की शिकायत मिलने के बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में पिछले 1.5 माह से पुलिस दिशा में काम कर रही थी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शनिवार की सुबह रवि राज तेतरी जीरो माइल के बीच में पुल पहुंच पथ पर एक ट्रक चालक को रोक लिया था और अपने को पुलिस पदाधिकारी बताते हुए उसे कागजात को जांच करने के लिए मांगने लगा। ट्रक चालक ने आसपास पुलिस बलों को नहीं देखते हुए कागजात दिखाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान ट्रक चालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखकर रविराज भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि NH 31 एवं पुल पहुंच पथ पर रविराज आए दिन फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करता था। पुलिस पूछताछ में रवि ने इन बातों को स्वीकार भी किया है और उन्होंने कहा है कि वह DTO ऑफिसर तो कभी MBI अफसर बताकर तो कभी पुलिस पदाधिकारी बनकर अवैध वसूली करने का काम करता था। नवगछिया विद्यालय को दिया रेलगाड़ी का लुक। रंगरा चौक प्रखंड के मध्य विद्यालय मधुसूदनपुर बैसीपुर अबटोला के भवन को अति आकर्षक रेलवे लुक दिया गया है। विद्यालय का ऐसा लुक देखकर छात्रों में खुशी दिखी जा रही है। वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने कहा कि विद्यालय के आकर्षण दिखने से छात्रों में बौद्धिक स्तर का विकास होगा तो दूसरी तरफ वे विद्यालय आने के प्रति भी जागरूक होंगे। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। मेरे बलमा पड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो ले आया। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान।
होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नववर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।